हाय, दिस इज आरजे बिल्कुल ध्रुव फ्रॉम लेमन 91.9 FM ग्वालियर। और आज हमारे बीच एक बड़ा ही खूबसूरत सा चेहरा है और प्रचलित भी, अगर मैं बात कहूँ तो। हमारे बीच हैं डॉक्टर अरुस्तम सिंह गौरव, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हैं। सर, आजकल जो मैं जो एक टॉपिक है बहुत कॉमन है, तो कई सारे सवाल हैं। अगर मैं मीडिया की तरह से बात करूं तो जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है। तो सर, मुझे ये बताइए प्लीज, व्हाट इज प्रोस्टेट? प्रोस्टेट क्या है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली में प्रोस्टेट एक प्रजनन अंग होता है, ऑर्गन है प्रजनन ओके का, जो कि पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में ये नहीं पाया जाता। पुरुषों के अलावा भी अगर दूसरी प्रजातियों की भी बात की जाए तो ये केवल डॉग में पाया जाता है, इसके अलावा किसी अन्य एनिमल में भी प्रोस्टेट नहीं। प्रोस्टेट एक वॉलनट साइज की ग्लैंड है जो कि पुरुषों के शरीर में पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे सिचुएटेड होती है तथा ये यूरिथ्रा को सराउंड करती है। यूरिथ्रा एक पेशाब की थैली होती है जिससे कि होता है। बेसिकली जो प्रोस्टेट का फंक्शन होता है, ये एक इजेकुलेटरी फ्लूड जो है सीक्रेट करता है, जो कि सीमन के साथ में सीक्रेट के साथ निकलता है। तो प्रोस्टेट बेसिकली एक प्रजनन ऑर्गन है। अच्छा सर, व्हाट आर द कॉमन डिसीज कंडीशन ऑफ प्रोस्टेट? जी, प्रोस्टेट बेसिकली इसमें बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं, बट कॉमनली हम तीन डिसीज का डिस्कशन करते हैं। इसमें एक होता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन, इसको बोला जाता है प्रोस्टेटाइटिस। सेकेंड होता है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया यानी बीपीएच। और तीसरी कंडीशन जो कि कॉमन है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के कैंसर होता ओके तो सर, और ये अगर हम बीपीएच की बात करें, है। बीपीएच क्या है? एक्चुअली मैं जैसा मैंने अभी बताया आपको, बीपीएच होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, मींस नॉन कैंसरस कंडीशन है जिसमें कि प्रोस्टेट का साइज इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से ओके जो पेशाब का रास्ता होता है, यूरेथ्रा होता है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेशेंट को वॉइड करने में, यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो जो बीपीएच है, दैट इज ए नॉन कैंसरस कंडीशन जिसमें कि प्रोस्टेट का इनलार्ज। अच्छा सर, व्हाट कॉजेस बीपीएच? एक्चुअली में ये बहुत ही इसकी जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो अभी तक इसकी इटियोलॉजी कंफर्म नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल होता है। लेकिन मुख्य रूप से दो फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। एक रहता है एज ऑफ द पेशेंट, बेसिकली जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है प्रोस्टेट का साइज ही बढ़ता है। दूसरा जो मुख्य इसके लिए फैक्टर होता है वो होता है डिसबैलेंस बिटवीन द हार्मोन। हमारे शरीर के अंदर ओके टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जब पेशेंट यंग एज में होता है तो इन हार्मोन की सिंपैथी बनी रहती है, बट जब इन हार्मोन का डिसबैलेंस होता है तो प्रोस्टेट कैंसर का जो प्रोस्टेट सेल्स हैं का प्रोलिफरेशन होता है, एंड दैट कॉजेज द प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट और बीपीएच। ओके सर, व्हाट आर द सम ऑफ सिम्टम्स एसोसिएटेड विद बीपीएच? एक्चुअली मैं जो प्रोस्टेट या बीपीएच के सिम्टम्स होते हैं, इनको अपन दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को बोलते हैं इरिटेटिव, और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम। इरिटेशन का मतलब है पेशेंट को इरिटेशन होता है, जैसे कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, बार बार टॉयलेट आती है, अर्जेंसी होती है, बात करना पड़ता है बाथरूम जाने के लिए, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है मीन्स उसको यूरिन लीक हो जाता है, नॉक्यूरिया रात में उसको सोने के बाद बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, दीज आर द इरिटेटिव सिम्टम्स। जो सेकेंड कैटेगरी ओके होती है वो होती है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब पेशेंट के यूरिन का फ्लो कम हो जाता है, ओवर यूरिनरी फ्लो, पेशाब रुक रुक करके आता है, इंटरमिटेंसी बोलते हैं इसको, और पेशाब ओके को जोर लगाना पड़ता है यूरिन स्टार्ट करने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है उसको, दैट इज कॉल्ड हेजिटेंसी। एंड समटाइम रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब टोटली रुक जाती है एंड पेशेंट बिल्कुल पेनफुल कंडीशन में आता है। तो दीज आर द हाँ कॉमन ऑफ द बीपीएच। ओके एंड विच आर द मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम्स? मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम इज द नॉक्टुरिया। नॉक्टुरिया मीन्स नाइट में आप एक बार आप बेड पर गए सोने के पर्पज से, उसके बाद आपको अगर एक या एक से ज्यादा बार नाइट में जगना पड़ रहा है, टॉयलेट जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉक्टुरिया। इससे होता है क्या कि पेशेंट का जो स्लीप है वो कंफर्टेबली कंप्लीट स्लीप नहीं हो पाता है, जिससे उसका नेक्स्ट डे का वर्क एफिकेसी भी अफेक्टेड हो।
दैट इज द मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम्स। अदर देन दिस इज द अर्जेंसी एंड अर्जेंसी, पेशेंट कहीं ट्रेवल कर रहा है या कहीं वर्क प्लेस पर उसको अर्जेंसी हो रही है टॉयलेट के, उसको रद्द करना पड़ता है, ओके ऑल्सो ट्रबलसम। सो दीज आर द कॉमन ट्रबलसम सिम्टम्स ऑफ बीपीएच। अच्छा सर, इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं क्या? या देखिए, जो बीपीएच एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ऑलमोस्ट 50% में, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एट द एज ऑफ द 50 पर 50% पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम बीपीएच। एट द एज ऑफ द ओके 70 अराउंड द 70% एंड एट द एज ऑफ द 94 100% पेशेंट हैव द बीपीएच, बट सम पेशेंट में भी लेस सिम्टोम, सम में भी मोर सिम्टोम। इसकी जो ट्रीटमेंट है ने कैटेगराइज किया है, जैसे अगर बहुत मिल्ड सिम्टम्स किसी पेशेंट को, तो अपन वॉचफुल वेटिंग मतलब केवल ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, कि अगर कुछ ज्यादा सिम्टम नहीं है अपन केवल उसको रेगुलर फॉलोअप में बुलाते हैं। दूसरा रहता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मींस अपन कुछ मेडिसिन, इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। दो तरीके के ड्रग्स रहती हैं, एक अल्फा ब्लॉकर में रहते हैं, दूसरा 5-अल्फा रिडक्टेज, काफी हद तक ये इफेक्ट है बीपीएच के केस में। तीसरा मैनेजमेंट होता है मिनिमल इन्वेसिव थेरेपी। मिनिमल इन्वेसिव का मतलब है कि केवल आप, जैसे बोले अपन बोलचाल की भाषा में, दूरबीन के माध्यम से प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देना, जैसे क्यूआरपी अच्छा होता या लेजर सर्जरी होती। तो ये तीन टाइप के लिए ट्रीटमेंट काफी अवेलेबल है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जैसे कम्प्लीटली पेशेंट को रिलीव जाता है समस्या। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया और ये महत्वपूर्ण जानकारी। थैंक यू ओके, सो थैंक यू मच। वेरी मच।